नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है। मैं एक कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूं। मैं पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं ऑर्थोपेडिक्स की। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं कि एक पब्लिक अवेयरनेस के टॉपिक पे हम बात कर पाए। टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस। स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो घुटनों के दर्द की हम बात करने वाले हैं। एक बहुत कॉमन टर्म्स है कि मेरा घुटने में दर्द है। यंग पेशेंट में भी होने लगा है, एल्डरली में भी होता है, और एक्चुअली में आपको मालूम पड़ता है कि आपका जोड़ घिस गया है, या कोई लोग बोलते हैं कि जोड़ का ग्रीस खत्म हो चुका है, या अगर मैं मेडिकल टर्म्स में बोलूँ तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट, है ना। अब ये होता क्या है, अगर हम देखें, ये हमारा घुटना है, ये ऊपर की हड्डी जिसे हम फीमर बोलते हैं, नीचे का जोड़ मीडियम टिबिया एंड फिब्रा के साथ वो बनता है। इस घुटने के बीच में चिकनाहट होती है जो हर आदमी में कुदरतन मिलती है। उम्र के साथ वेयर एंड टेयर होता है और धीरे धीरे चिकनाहट खत्म हो जाती है। चिकनाहट खत्म होने के या कम होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि अगर आपका वजन ज्यादा हो, लाइफ स्टाइल आपकी बहुत ज्यादा एक्टिव हो, आप बहुत एथलेटिक ज्यादा यूज कर रहे हैं अपना घुटना, अगर आपको कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे हम हिंदी भाषा में कहते हैं गठिया भाई, एक और बीमारी एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उसमें भी जोड़ जाम हो जाते हैं, ऐसी कोई बीमारी चल रही है, कॉन्स्टेंट अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा रहा है तो उससे भी तकलीफ आएगी, स्टीरॉयड अब्यूज, जो ज़्यादा स्टीरॉयड लेते हैं आजकल जिम बॉडी बिल्डिंग में इशू बहुत चल रहे हैं, और लास्टली अगर मैं बोलूँ तो इन्फेक्शन, कि घुटनों का बचपन में जो बच्चों में होता है सेप्टिक आर्थराइटिस हम बोलते हैं, कि बच्चों के घुटनों में पस आके और जोड़ खराब होने लगा, तो ये अलग अलग वजह है। अब इसके इलाज की अगर हम बात करें और एक नॉर्मल पेशेंट की बात करें, एल्डरली पेशेंट के बारे में भी, तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारे पास कब आया है। आमतौर पर मरीज हमारे पास आता है काफ़ी घर के घरेलू नुस्खे करके, तो उसका आने में ही 3-4 साल लग जाते हैं। ये आपको नहीं करना। अगर दर्द शुरू हो रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने डॉक्टर से, कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन नियर बाय, उनसे आप कंसल्ट करें, क्योंकि वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टार्टिंग हो सकती है। शुरुआती तौर पे फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयाँ कोलेजन अवेलेबल हैं जिनसे हम घुटनों को रीच बढ़ा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके घुटने घिसेंगे उनको आगे चल के ऑपरेशन